नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये सभी शक्तियां आपके साथ हैं और सालों से रक्षा कर रही हैं, लेकिन इसके बारे में आपको पता नहीं है और आप सालों से यह गलती करते ही जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आप पिछले कुछ सालों से यह तीन बड़ी गलती कर रहे हैं, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, आप यही सोच रहे होंगे कि जब यह शक्तियां आपके साथ है तो आपके जीवन की परेशानियां समाप्त क्यों नहीं होती हैं, आपके जीवन में चमत्कार क्यों नहीं दिखता है। क्योंकि आपने बहुत ही सुना है कि जिस भी व्यक्ति के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद होता है या फिर जिस भी देवी देवताओं की कृपा बनती है, उसका जीवन राजा जैसा बन जाता है। जबकि आपके जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, आपका जीवन जैसे तैसे कट रहा है, परेशानियों में रोटी धोते। हालांकि आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है, फिर भी आपका दिल लोग दुख जाते हैं। आपने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपको बहुत बड़े बड़े धोखे मिले हैं। बस दोस्तों, इन्हीं कुछ गलतियों के वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है, जाने अनजाने में कुछ ऐसा कर रहे हैं। इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इतनी छोटी सी गलती के लिए इतना बड़ी सजा आपको मिल रही है, इतने सारे दुख आपके पास हैं। दोस्तों, अपने कई सारे वीडियो भी देखे होंगे, कई सारे उपाय भी किए होंगे अपने जीवन को सुधारने के लिए, जिनमें से कुछ लोगों का जीवन सुधार भी है, उनके जीवन में खुशियां भी आई हैं। लेकिन फिर भी अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जीवन की खुशियां ही उनसे रूठ गई है, सालों से उन्हें कोई खुशी प्राप्त ही नहीं हुई है। दोस्तों, इसके पीछे का यही मुख्य कारण है कि आप जाने अनजाने में या तीन गलती कर रहे हैं, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, जब इतने बड़े देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर होने के बाद भी आप उनकी कृपा को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनके आशीर्वाद आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो दोस्तों, इनमें कहीं ना कहीं आपकी गलतियां छुपी हुई हैं, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, जिससे आप पूरी तरह से अनजान हैं। तो लिए दोस्तों, सबसे पहले हम उन गलतियों के बारे में जान लेते हैं और फिर ईश्वर के द्वारा जो आपको मिलने वाला है उसको आप प्राप्त कैसे कर पाएंगे, इसके बारे में भी हम जानेंगे। दोस्तों, आपको कुछ संकेत के लिए हम बता दें कि आपको विश्वास हो जाए कि वाकई में आपके साथ यह शक्तियां जुड़ी हुई हैं, आपके साथ खड़ी है जो सालों से आपकी रक्षा कर रही हैं। दोस्तों, आपके सामने कुछ ऐसी दुर्घटनाएं भी हुए होंगे पिछले 5 या 6 सालों में, जिनमें आज की जान तक जा सकती थी। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें आपके या आपके पूरे परिवार में किसी भी सदस्य के किसी हादसे में जान तक जा सकती थी, लेकिन उनकी जान बच गई। लोग भी बड़ा ही आश्चर्य में रह गए होंगे कि आखिर यह कैसे हो गया। तो दोस्तों, इस शक्तियों का ही कृपा था जो आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य का कोई काल भी कुछ बांका नहीं कर पाया। या फिर दोस्तों, आप पिछले 5 से 6 वर्षों में बहुत ही ज्यादा परेशान थे, पैसे को लेकर या अपने स्वास्थ्य को लेकर या किसी के साथ संबंध को लेकर, और उसे समय आपके पास कोई भी नहीं था जो आपकी मदद कर सके, जो आपके परेशानियों को समझ सके। आप उसे समय बहुत ही ज्यादा अकेले थे और लोग बस आपके मजे ले रहे थे, झूठी हमदर्दी दिखा रहे थे। उस समय में भी आपको भगवान ने ही उन परेशानियों से बाहर निकालने के लिए किसी न किसी एक व्यक्ति को आपकी जिंदगी में भेजा था, जिसके कारण आप अपनी कुछ परेशानियों को कम कर पाए हैं। दोस्तों, कहते हैं भगवान अपने भक्तों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते हैं, और खास करके उन लोगों को जिनके कर्म बहुत ही अच्छे होते हैं, जो निस्वार्थ भावना के साथ किसी की भी मदद करने के लिए आगे रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी परेशानियों से भगवान आपको बाहर निकालने के लिए किसी व्यक्ति को भेजे थे। आप जब भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे रहते हैं, जब आपको कुछ नहीं नजर आता है और आप बहुत ही दुखी हो जाते हैं, तो अचानक से ही आपके जीवन में कुछ ऐसा चमत्कार होता है जो आपकी हर एक बिगड़े कामों को बना देता है, जो आपके लिए वाकई में सही होता है। वह भगवान आपको दिए हैं। आपका पिछला 5-6 वर्षों की तुलना में अब का समय ज्यादा बेहतर है। लेकिन दोस्तों, अब ये सबसे पहले जानते हैं कि आपको वह कौन सी तीन ऐसी गलती है जो नहीं करनी है। दोस्तों, पहले जो गलती है वह है, दोस्तों, आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जिसे आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि यह व्यक्ति आपकी पीठ पीछे बुराइयां करता है, आपके मजे लेता है, वह आपकी मुसीबत में बहुत ही हंसा था, लेकिन फिर भी अब तक आप उसके साथ घूमते फिरते हैं। दोस्तों, आप यदि महिला हैं या फिर आप पुरुष हैं, तो दोनों के लिए यह जानकारियां हैं। और इस व्यक्ति का आचरण भी बहुत ही बुरा है, बहुत ही झूठ बोलता है। उसके चलते देखा जाए तो आप किसी बहुत बड़े मुसीबत में भी फंसे थे। दोस्तों, इस व्यक्ति का साथ छोड़ दें, वरना आपको या ले डूबेगा। आप पिछले कई सालों से इसके साथ रह रहे हैं और इसके चलते कई सारे आपने गलत कार्य भी किए हैं, अपने समय को बर्बाद किया है, लेकिन इसने आपको कुछ नहीं समझा। आपने इस व्यक्ति से दूरियां तो बनाई भी थीं, लेकिन ये बार बार आपके पीछे पड़ रहा है,
क्योंकि आप पहले से थोड़े बादल भी गए हैं दोस्तों। दूसरी जो गलती कर रहे हैं आप दोस्तों, वह गलती है कि आप अपने भोले भाले स्वभाव से लोगों के बातों में फंस जा रहे हैं। लोगों पर आप जल्दी यकीन करने लग रहे हैं, जिसके वजह से आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं। आपके यहाँ तक कि घर वालों से भी खड़ी खोटी सुनाने को मिल रही है, घर वाले भी आपको गलत समझने लग रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों आपके सामने आई होगी, तो ऐसे में दोस्तों आप थोड़ा चतुर बने, भावनाओं में बहकर कोई भी कार्य न करें, किसी के बातों में बिल्कुल भी ना आए। आप अपने सोच समझकर किसी भी कार्य में अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। दोस्तों आप अधिक लालच में भी ना हैं, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसे व्यक्ति आते हैं जो आपको लालच देते हैं और आप भी अपने ऊपर जिम्मेदारियां को देखते हुए लाभ के चक्कर में आ जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में आपको मुसीबत झेलनी पड़ जाती है। दोस्तों इसके साथ आपको बता दें कि आप पिछले कई सालों से कुछ भी काम करते हैं उनमें आपको जल्द सफलता नहीं मिलता है। बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत उम्मीदें होती हैं, लेकिन फिर भी आप सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आपके जीवन में नजर लग जाते हैं। दोस्तों आपके बारे में आप बहुत ही चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि दोस्तों आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोए हैं और बहुत कुछ हासिल भी करके दिखाए हैं दोस्तों, क्योंकि अपने लोगों से बहुत कुछ सीख लिया है। जैसे कि दोस्तों पहले आप लोगों के सामने अपने दिल की हर एक बातों को बताते थे, कोई काम या कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करने जाते थे तो आप इसका ढिंढोरा पीट देते थे और लोगों की बुरी नजर आपके ऊपर लग जाती थी, आपकी किस्मत में खोट हो जाता था। अब आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं और आगे भी आपको ऐसा नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, ताकि आप अपने जीवन में सदैव तरक्की करें, आपसे जलने वाले लोग और भी ज्यादा जले। दोस्तों यह कुछ गलतियां हैं जो अब आपको नहीं करनी है। दोस्तों अब यह तीसरी और आखिरी गलती जो आप पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, जिसके वजह से इन शक्तियों का कृपा आपको नहीं मिल पा रहा है, आपके साथ होते हुए भी आपकी जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां हैं। एक परेशानियां खत्म होने के बाद दूसरी परेशानियों आपके सामने खड़ी रहती है, और जब आपको लगता है कि सब कुछ ठीक जा रहा है, जीवन में खुशियां हैं, सुख है, शांति है, अचानक आपके जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है जो सारा खुशियां मिट्टी में मिल जाता है, जो कि देखा जाए तो आपके दुश्मनों के द्वारा ही कुछ ऐसा किया जाता है दोस्तों, क्योंकि आपका दुश्मन आपके पूरे परिवार को खुश कभी नहीं देख सकता है। उनकी नजर हमेशा अपने परिवार से ज्यादा आपके परिवार पर रहती है। उन्हें हमेशा यह जानने की कोशिश रहती है कि आपके घर परिवार में क्या चल रहा है। ये बातें कहीं ना कहीं आप बाद ही अच्छे से समझ रहे हैं, वह आपके घर के आसपास सदैव भटकता रहता है। तो दोस्तों आपको अपने दुश्मनों से भी कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों तीसरी गलती के बारे में जानते हैं, तो दोस्तों तीसरी जो गलती है वह है दोस्तों, आप सुबह सूर्य उदय होने के काफी देर बाद जागते हैं। ये गलती आपके जीवन में कभी आपको खुश नहीं रखेगी। जी हाँ दोस्तों, आपके घरों में हमेशा क्लेश रहेगा, पैसों की समस्या सदा ही बनी रहेगी। दोस्तों यदि आपके घर के कोई भी सदस्य, फिर वह युवा हो या फिर बुजुर्ग, यदि खाने के थाली में हाथ धो देते हैं तो दोस्तों इसका भी बहुत ही ज्यादा बुरा परिणाम आपके और आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये गलती आपके जीवन में आप सालों से कर रहे हैं। दोस्तों इसलिए देखा जाए तो आपके जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं और हमेशा आप भगवान को ही दोष देते हैं, अपने किस्मत को दोष देते हैं तो कभी अपने इस राशि को भी दोष देते हैं। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो कहीं ना कहीं गलतियां तो आपकी भी छुपी हुई है। दोस्तों ये बातें आपको बुरी जरूर लग रही होगी, लेकिन यदि आप अपने दिल और दिमाग की सुनेंगे तो वाकई में आपको अपनी गलतियां नजर आएंगे। आप अपने जीवन में दुखों के स्वयं ही कारण बने हुए हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है, तो यह बातें बिल्कुल सत्य है। दोस्तों वायु उसी के साथ जानते हैं कि अब आपके जीवन में क्या होने वाला है, आपका यह जो समय है वह कैसा परिणाम देकर जाएगा, जैसे कि पारिवारिक जीवन में, प्रेम जीवन में, नौकरी करने वाले लोगों के लिए, बिजनेस करने वाले लोगों के लिए कितना खास रह सकता है, किन बातों की आपको विशेष सावधानी रखनी होगी, कौन से कार्य हैं जो आपको जरूर करने चाहिए, कौन से ऐसी बात है जो अब आपको नहीं करने चाहिए। दोस्तों और भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके लिए यह समय स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के लिए रहेगा, आपका कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है और आप कर्तव्य के प्रति सजग रहेंगे। किसी काम में उसके नीति नियमों पर पूरा ध्यान दें। नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा, आप अपनों पर भरोसा बनाने में कामयाब रहेंगे, आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। लेकिन आपने यदि किसी को धन उधार दिया था तो आपके उस धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है। व्यापार करने के लोग कुछ नए उपकरणों को शामिल कर सकते हैं, आपके कुछ विरोधी आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे,
आपके लिए यह समय खुशनुमा रहने वाला है। आप मित्रों के साथ किसी पार्टी को करने की योजना बना सकते हैं। भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा। बुद्धि विवेक से लिए गए निर्णयों के लिए आपको शाबाशी मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आप किसी काम को समय से पहले पूरा करके देंगे, जिसमें आपको अपने जूनियर से मदद की आवश्यकता होगी। आपकी कला कौशल में सुधार आएगा और अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है, जिससे खुशियां बनी रहेंगी। आपके लिए यह समय धैर्य और साहस से काम लेने के लिए रहेगा। आप सबके हित की बात करेंगे और सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आप अपने करियर को लेकर अपने किसी सीनियर से बातचीत कर सकते हैं। आपको बिजनेस की योजनाओं में आगे बढ़ना होगा। भौतिक विषयों पर आप पूरा ध्यान देंगे। परिवार के सदस्यों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी से यदि किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी तो वह भी दूर होगी। आपके घर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है, लेकिन विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा। कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने में आप कामयाब रहेंगे। निजी बातों के प्रति संवेदनशील रहेंगे और भाग्य के भरोसे। यदि आपने किसी काम को किया तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप बिजनेस में किसी नई योजना की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आपके पिताजी से आपकी किसी बात को लेकर बहसबाजी हो सकती है, जिसमें आपको वाणी की मधुरता को बनाए रखना होगा। आपकी साथ और सम्मान में वृद्धि होगी। आप कुछ पुराने रीति रिवाजों को छोड़कर आगे बढ़ेंगे। धन संपदा में आप शिष्टता से चले। महत्वपूर्ण मामले आपके पक्ष में रहेंगे, लेकिन निजी संबंधों पर आपको पूरा ध्यान देना होगा, नहीं तो आपकी छोटी सी गलती से दरार पैदा हो सकती है। आपको आय व्यय के लिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा, तभी आप किसी बचत की योजना में धन लगा सकते हैं जो भविष्य में आपका काम आएगा। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। संतान आपसे किसी वस्तु की फरमाइश कर सकती है। यदि आप किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो वाहन की अकस्मात खराबी के कारण आपका धन खर्च बढ़ सकता है। रिश्तों में चल रही अनबन दूर होगी। संबंधों के प्रति आपका पूरा झुकाव रहेगा। आप अपने जीवन साथी के प्रति खुद को आकर्षित होता हुआ महसूस करेंगे। यदि आपके घर में शादी समारोह है तो आप जीवन साथी पर मोहित हो जाएंगे। वहीं कुछ नव विवाहित जातक आने वाले नए सालों में कहीं घूमने फिरने जाने का कोई अच्छा जगह योजना बना सकते हैं, जहां पर वह खूब मौज मस्ती करेंगे। और वहीं कुछ लोग परिवार को आगे बढ़ाने की भी सोच विचार करेंगे। दोस्तों, यदि आपके घर में कोई अविवाहित जातक है जिनके विवाह में बहुत ही देरी हो रही है, या विवाह लाख के बार बार टूट जा रही है, तो ऐसे में आप उन्हें किसी अच्छे पंडित से दिखा लें। हो सकता है कि कोई दोष निकल आए। दोस्तों, इस समय आपके घर में किसी खास व्यक्ति के विवाह की बातें चल रही हैं, तो वह तय भी हो सकती है। आप किसी गरीबी रिश्तेदार के घर किसी शादी में या किसी धार्मिक कार्यक्रम में जा सकते हैं, जहां पर आपका कई सारे लोगों से दोस्ती होगी। दोस्तों, आप जहां भी जाएंगे सबका ध्यान आपकी तरफ होने वाला है। दोस्तों, इस समय आप यदि किसी दुविधा में फंसे हैं, जहां पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें और क्या नहीं, ऐसी कोई स्थिति है तो आप किसी अपने शुभ चिंतक की सलाह ले सकते हैं। उनकी सलाह आपके किसी काम आ सकती है। इस समय आपको किसी परियोजना की ओर से कोई मन को शांत करने वाली खुशी की खबर मिल सकती है। यदि आप शेयर मार्केट में धन का निवेश करते हैं तो आपके लिए समय अच्छा तो रहने वाला है। आपने यदि पिछले 2 महीने के अंदर कहीं पर धन का निवेश किया था तो वहां से आपको बहुत बड़ा लाभ होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, बिल्कुल ना करें। स्थायित्व की भावना को बल मिलेगा। बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोग किसी बचत की योजना में अच्छा धन लगा सकते हैं। आपको शेयर मार्केट से भी अच्छा लाभ मिलता दिख रहा है, लेकिन आपको कुछ कामों में यदि समस्या आ रही थी तो वह दूर होगी। आपकी नए काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है, जिसके लिए आप अपने पिताजी से बातचीत कर सकते हैं। आप आज घरेलू मुद्दों को लेकर किसी बाहरी व्यक्ति से बातचीत ना करें। आपको कार्य क्षेत्र में यदि किसी काम को करने में समस्या आ रही थी तो उसके लिए आप अपने अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं। आप उन्नति के किसी भी अवसर को हाथ से जाने ना दें। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अत्यधिक मेहनत करनी होगी, उसके बाद ही कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। आपको किसी दूसरे के मामले में बोलने से बचना होगा, नहीं तो कोई नई समस्या खड़ी हो सकती है। आप अपने से ज्यादा औरों के कामों पर ध्यान लगाएंगे, जिससे आपका काम लटक सकता है। इस समय आपको अपनी दफ्तर में किसी महिला से सावधान रहने की भी आवश्यकता है। आपकी बातों से किसी व्यक्ति के और आपके बीच आग लगाने का काम कर सकती है। दोस्तों, वही बात की जाए, प्रेम जीवन में जी रहे हैं जातकों की। अब यह पता लगाने का समय आ गया है कि हम जीवन से क्या चाहते हैं। एक परिप्रेक्ष्य हर चीज का शुरुआती बिंदु है, और आपका रोमांटिक जीवन कोई अपवाद नहीं है। एक संभावित साथी के सभी गुण लिखें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप पहले से ही शादीशुदा हैं
तो आदर्श विवाह के बारे में दिवा स्वप्न देखने में कोई हर्ज नहीं है। ब्रह्मांड के नियम आपको उचित दिशा में ले जाएंगे, जीवन में मिलने वाले अवसरों का फायदा उठाएं और हर पल को खुलकर जिएं। आप जीवन में अकेले नहीं हैं, आपका परिवार और पार्टनर आपके साथ है, आपके बीच एक अटूट रिश्ता बनेगा, प्रेमी के साथ आप बेहद रोमांटिक और उत्साही पलों को महसूस करेंगे। धन से जुड़े मामलों को अपने रोमांस से दूर रखें, अपने प्यार का इजहार करने के लिए उपयुक्त दिन है। पेशेवर मामलों को छोड़कर भावुकता आपके लिए प्रथम पायदान पर होगी। इस समय आप अपनी सूरत, व्यक्तित्व या रूप में बदलाव करना चाहते हैं और नई केश सज्जा के बारे में सोच रहे हैं। इससे आप किसी विशेष को लुभाना चाहते हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है। खुलकर अपने प्यार का इजहार करें, क्योंकि यह समय खुशी और उत्सव का है। अपने आंतरिक संघर्षों का समाधान करने का समय आ गया है। इसके लिए आपको जीवन के मुख्य मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं और काफी दिनों से अपने घर वाले को मना रहे हैं, तो अब आपके घर वाले आपकी शादी के लिए राजी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। वही जो लोग एक ही नौकरी को लंबे समय से कर रहे हैं, उनके लिए यह समय खुशियों से भरा रहेगा, क्योंकि उनके पद में उन्नत होने से कोई रोक नहीं सकता। आपने इस दिन को देखने के लिए बहुत ही लंबे समय से इंतजार किया है, आपने बहुत ही मेहनत किया है, जिसका परिणाम और आपको मिलेगा। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हाथ आजमाना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय काफी ज्यादा शानदार साबित हो सकता है। बस आपको अपने आसपास के लोगों का दिल जीतने में कामयाबी हासिल करने की कोशिश करनी होगी। ऐसे में आप सबकी जरूरत का ध्यान रखें, जितना आपसे हो सके वह कार्य आप जरूर करें। दोस्तों, आप दानपुर के कार्यों में पीछे ना रहे। यदि कोई वास्तव में जरूरतमंद व्यक्ति आपके पास आता है, तो आप उनकी सहायता अवश्य करें। उनकी दुआएं आपके जीवन को बदलने का काम कर सकती हैं। दोस्तों, संभव होता इस समय आप किसी को अन्य का दान या किसी भी प्रकार का कोई गुप्त दान जरूर करते हैं। यदि आपके घर परिवार में लंबे समय से किसी के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है या घर में बंटवारे की स्थिति बनी है, तो वह किसी तीसरे व्यक्ति की मदद से समाप्त हो सकती है। परेशानियों का निष्कर्ष निकलेगा। दोस्तों, यदि आपका मन किसी बात को लेकर परेशान है या आप अपने घर के किसी सदस्य को लेकर परेशान हैं, तो आप उनके साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाएं, तो वहां पर आपको मन की शांति मिलेगी और उसे व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा भी बनी रहेगी। दोस्तों, यदि आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा लक्ष्य है और उसमें बढ़े हैं, तो वह बढ़े आप समाप्त होगी और आपको सही रास्ते दिखेंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको ऐसा में पहले के मुकाबले काफी बेहतर साबित हो सकता है। बस आपको बताएंगे सभी बातों को ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों, आप अपने इस समय को और खास बना सकते हैं। आप अपने कार्य को बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आज आप जो पहल करेंगे या नया कदम उठाएंगे, समय आने पर उसके अच्छे नतीजे भी आपको मिल सकते हैं। आपके लिए बेहतर यह रहेगा कि सोचे हुए काम करते जाएं, अपने महत्वपूर्ण कामों की लिस्ट बनाएं और उन पर ध्यान दें। खुद को किसी से कम न समझें। जो आप सोचेंगे वह आसानी से करेंगे। कई महत्वपूर्ण मामले आज टल भी सकते हैं, लेकिन उससे आपको फायदा होगा। घर के बाहर के मामलों में आपकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ सकती हैं। पैसों का फायदा होने और कार्यक्षेत्र में कोई उपलब्धि मिलने का योग बन रहा है। आज आप शांत मन से काम करेंगे तो आपको काफी फायदा होगा। दूसरों की बात गंभीरता से सुने। कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सकती है। इस राशि के जो लोग प्लास्टिक के व्यापार से जुड़े हैं, आज उनकी किसी बड़े व्यापारी से साझेदारी हो सकती है। विवाहितों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। जीवन साथी से आपको सरप्राइज मिल सकता है। वाहन खरीदने का विचार हो सकता है। कोई नया विचार आपको आर्थिक तौर पर फायदा दिलाएगा। आप बच्चों के साथ कहीं घूमने के लिए जाएंगे। बिजनेसमैन पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे आने वाले अच्छे वक्त की ओर देखें। आपकी कोशिशें फलदायी रहेंगी। जीवन साथी की किसी बात को गंभीरता से न लेने पर विवाद हो सकता है। हो सकता है शाम तक किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं और लजीज खाने का लुत्फ भी उठाएं। सेहत आज फिट रहेगी। नए कार्यों का प्रारंभ कर सकेंगे। नए कार्य का प्रारंभ करने का भी आज के दिन उत्साह रहेगा। कोई नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। परिवार और पैसों के मामलों में आप व्यस्त हो सकते हैं। गृह स्थिति शुभ है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। आप सिर्फ अपने मन पर भरोसा रखिए। किसी रिश्तेदार के स्वभाव या व्यवहार के बारे में आपको कुछ बातें समझ आ सकती हैं। दूसरों की बातें सुनने और समझने में सावधान रहें। कर्ज चुकाने में आसानी रहेगी। सकारात्मक मन रखने की कोशिश करें। मेहनत और यात्रा भी करनी पड़ सकती है। धैर्य रखें। आप काफी जोश और उत्साहित नजर आएंगे और सजने संवरने में आपकी रुचि ज्यादा रहेगी। किसी खास से विवाद होने से आप अकेलापन और उदास महसूस कर सकते हैं। फिक्र न करें। जहां प्यार और चिंता होती है, वहां रूठना मनाना चलता रहता है। रिश्तों को पुनर्जीवित करने के लिए अच्छा समय है।
इस समय आप प्रेम संबंध में बेहद प्रसन्न हैं, लेकिन अभी किसी भी तरह की प्रतिबद्धता से बचें। किसी खास को अपने दिल की बात बताना चाहते हैं तो बुद्धिमता और कल्पना का प्रयोग करें। आप जिस भी व्यक्ति से मिलेंगे वो आपके कूल रवैये और करिश्मा से बच नहीं पाएगा। आपके क्षमताओं और प्रतिभाओं की लव पार्टनर तारीफ करेगा। अगर आपका प्यार एक तरफा है तब भी चिंता न करें। जैसे जैसे आपका क्रश आपको अधिक जानेगा वैसे ही आपकी नजदीकियां बढ़ेंगी। बस कोशिश करना न छोड़ दें। इस समय आपका दिल आपके बस में नहीं है और आप लगातार किसी स्पेशल के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। अभी आपकी इच्छा शांति से अपनी भावनाओं का इजहार करने और चीजों को खास बनाने की है। वहीं बेरोजगार लोगों की बात की जाए तो बेरोजगार लोगों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन आप अपनी मेहनत जारी रखें क्योंकि आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। आपको एक जगह पर बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। संभव है कि आपका कोई मित्र या कोई आपका करीबी के मदद से आपको किसी अच्छे रोजगार की प्राप्ति हो, वह भी आपकी इच्छा अनुसार। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उन लोगों की यदि प्रमोशन की या फिर ट्रांसफर की इच्छा थी तो आपकी इच्छा अब पूरी होने वाली है। दोस्तों, ट्रांसफर आपके मन मुताबिक स्थान पर हो सकता है। दोस्तों, आपको अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में यात्रा पर जाना पड़ सकता है जो यात्रा आपके लिए मनोरंजनदायक रहेगी। दोस्तों, लेकिन आपको अपने सहकर्मियों से, अपने जूनियर और सीनियर से सावधान रहना होगा। यह कहे तो आपको किसी के ऊपर आंख मूंद करके भरोसा करने से बचना होगा क्योंकि आपकी उन्नति को देखकर कई सारे दुश्मन भी नए नए बन रहे हैं, तो इसलिए आपको सतर्क रहना होगा। यदि आपके पड़ोस में किसी के साथ कोई बात विवाद होता है तो ऐसे बात विवादों में आप बिल्कुल ना पड़े, कोई सलाह किसी को भी ना दे। आपका यदि कोई काम बिगड़ा है या फिर आप किसी काम में बीच में ही फंस गए हैं जहां पर आपको निकालने का रास्ता नहीं नजर आ रहा है, आपने हर संभव प्रयास किया लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया, तो ऐसे में आप सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दें। इस मुसीबत से भगवान आपको जरूर निकालेंगे। दोस्तों, आप अपने जीवन में कुछ ऐसी बड़ी खुशियों को प्राप्त करेंगे जिनके लिए अपने दिन रात मेहनत किया था या ऐसा कुछ सपना देखा था। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए अच्छे विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, वह भी आपकी इच्छा अनुसार वह विवाह प्रस्ताव हो सकते हैं। दोस्तों, अब आपका जीवन साथी आपको मिलने वाला है, लेकिन ध्यान दें कि आपका यह विवाह का रिश्ता टूट ना जाए, क्योंकि हो सकता है कि आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति अधिक लालच में आकर कोई ऐसे शब्द बोल जाए या कुछ ऐसी बातें कह जाए जो सामने वाले पक्ष को बुरी लगे, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा एडजस्ट करना भी पड़ेगा। दोस्तों, यदि आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में कोई खास व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। इस राशि के लोग अपने लिए कुछ खास वास्तु की ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं जहां पर आप अच्छा खासा धन खर्च करेंगे। दोस्तों, आपको इस समय किसी का भी कुछ भी देखा देखी नहीं करना है या किसी भी व्यक्ति को देखकर खुद को कमजोर नहीं समझना है, और या कहीं पर कोई बातचीत होता है तो अपनी बातों को जरूर रखें, इससे आपका पक्ष मजबूत हो सकता है। दोस्तों, आपका कोई पुराना रिश्तेदार फोन कर सकता है